तो भाई अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। मतलब लाइसेंस एक बार में ही निकल गया मेरा टेस्ट, एक भी एरर नहीं भाई, जीरो मिस्टेक। 20 मतलब 40 क्वेश्चन थे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज आया मेरा जीवन का लाइसेंस टेस्ट, तो 11 बजे का अपॉइंटमेंट, अभी 9 बज गए हैं। तो ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलेंगे अपन लोग, क्योंकि यहाँ से आधा घंटा लगता है वहाँ पहुँचने में। फिर बाकी वहाँ जाके बताता हूँ आप लोग को कि क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और इंडिया से क्या क्या लेके आना है, वो सब मैं आपको वहाँ जाके बताता हूँ। One eternity later. भाई तो भाई का भी निकल गया जीवन एक ही बार में, मेरा भी निकल गया कुछ ऐसा। एक इसको दिखाऊं भी कैसे, पीछे से दिखाता हूँ। ये है अपने घर पे आएगा मेल। लेकिन भाई मेरा एक दिक्कत हो गया ये कि जो इंडियन लाइसेंस था वो कन्वर्ट नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, लीगल नहीं लग रहा था। भाई का तो हो गया, भाई अब डायरेक्ट जी देगा, मेरे को G2 भी देना पड़ेगा। तो क्या क्या लाना पड़ता भाई अलग बता दे। DL एक्सट्रैक्ट होता है और ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल चाहिए। हाँ बस ये दो चीज़ चाहिए, और इंश्योर करना कि आपके लाइसेंस में चिप हो। मेरे लाइसेंस में चिप नहीं था, और मेरे स्टेट में चिप वाला आता ही नहीं है अभी, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं तो अभी रिसेंटली रिन्यूड कराया था। तो ये सब प्रॉब्लम हो गई, इसलिए भाई अब लाइसेंस तो मिल गया, अब चलते हैं घर। हाँ तो गाइस एक और बात जो बतानी भूल गया मैं, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आने का कोई मतलब नहीं है, लोग पूछते भी नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट पूछे, DL एक्सट्रैक्ट पूछे, और DL मतलब आपका ओरिजिनल DL वो चाहिए होता है। और डायरेक्ट आके आपका कुछ नहीं होगा जीवन, आपको एक मेरे इससे पहले वाला एक और वीडियो, उसका लिंक डाल दूंगा, उसमें QR कोड है, उसको स्कैन करना, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना और फिर आना। और अपॉइंटमेंट भाई इस महीने का तो नहीं मिलेगा, मतलब जून का, जुलाई अगस्त का ही मिलेगा। आप लोग यहाँ आ सकते हो, ये क्या है, ओटावा लखनर, तो ये एड्रेस है यहाँ का। तो यही स्टॉप में जाएगा क्या, मेरे को तो उधर जाना पड़ेगा। चल ठीक है, अलग को तो ये बस स्टॉप है, मेरे को रोड के उस साइड वाले बस स्टॉप में जाना है। तो चलते हैं अपन उधर और निकलते हैं घर। तो भाई अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। मतलब लाइसेंस एक बार में ही निकल गया मेरा टेस्ट, एक भी एरर नहीं भाई, जीरो मिस्टेक। 20 मतलब 40 क्वेश्चन थे, 40 के 40 सही। लेकिन एक्सपीरियंस काउंट नहीं हुआ भाई, 10 साल का एक्सपीरियंस था ड्राइविंग का, 2014 से मेरे पास लाइसेंस था, उसका एक साल भी ऐड नहीं करवा पाया। अब मेरा क्या ही गलती बताओ इसमें, मेरे स्टेट में अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होता और चिप वाला लाइसेंस नहीं आता तो मेरा क्या गलती था इसमें। लेकिन कुछ नहीं कर सकते, अब देना है मेरे को, G2 का टेस्ट देना पड़ेगा, फिर G2 जब पास होगा उसके बाद G का दूंगा। नहीं तो अगर मेरा एक्सपीरियंस काउंट होता तो G1 के बाद डायरेक्ट G दिया रहता है। मतलब G इनका फुल लाइसेंस होता है, G1 लर्नर्स टाइप का है, फिर G2 थोड़ा एक अपग्रेड हो जाता है, G इनका फुल लाइसेंस है। G में आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद से कहीं भी चला सकते हैं। अब जीवन में अगर मेरे को चलाना है तो मेरे साथ G लाइसेंस वाला, फुल लाइसेंस वाला इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ऐसा है इंस्ट्रक्टर, ऐसा ही कुछ है। तो सब सही हो के भी सही नहीं हो पाया, ठीक है कोई बात नहीं, जो होता है अच्छा ही होता है। तो भाई जीवन की खुशी में आए हैं टीम, वैसे जीवन की खुशी में नहीं आए, हमारे चर्च के पास्टर हमको मिलने के लिए आए, लेकिन पास्टर खुद ही नहीं आया, अभी एक बजे आएंगे, एक बजे में टाइम, और ऋषु आके वेट कर रहे हैं उनका भी फिलहाल। 2 hours later. तो गाइस हमारा जो मीटिंग था पास्टर के साथ वो बहुत ही अच्छा था, हो गया वो, उनका नाम है पास्टर एडम। तो उन्होंने हम लोग को बहुत सारा चीज़ बताया चर्च के बारे में और कैसे चर्च में इन्वॉल्व होना है। साथ में एक स्टीव करके हैं जो कि साउंड और वर्शिप टीम का बारे में देखते हैं, तो उनसे मुझे नेक्स्ट संडे मिलवाएंगे वो। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं मेनोनाइट के थ्रिफ्ट स्टोर, क्योंकि कुछ सामान लेना था हमको। भाई लकड़ी का जूता मिला है, ये ले लो, सोच रहा हूँ इसको पहन के जॉब हंट करने जाऊंगा, 50-50 किलोमीटर पैदल चलूंगा। मस्त, अरे वो चप्पल कितना अच्छा दिख रहा है, ग्रीन वाला सॉफ्ट, ये ब्रांड नहीं है, गंदा रहता है ना, अच्छा दिख रहा है। अरे तू ये ले ले, ऋषु ये ले ले,
अबे सीधा कौन सा इसका, यही होगा इसमें ऐसा पैर उंगली फंसा और ड्यूटी जाना इसको पहन के। ये भी तो कितना नया नया दिख रहा है, बढ़िया ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा है। लेकिन अपना घर इतना साफ है, बहुत ज्यादा साफ है। चलो फिर 6000 में मिलते हैं। तेरे पैर का साइज कहीं ऐसा लग रहा है, छोटा लग रहा है, देखना चाहूंगी। हाँ तेरा पैर मोटा है, तू अपना घटिया कमेंट्री बंद करेगा। भाई पैर मोटा है, सही तो बोला था ना भाई। मेरे को ना ये मिल गया एक्सटेंशन $3 का, चल भी रहा, चेक भी करके देख लिया मस्त। अभी बैग कितना अच्छा दिख रहा है, वो सब छोड़ ये देखे देख, ये बैग एकदम नया नया दिख रहा है, ब्लैक वाला चमक रहा है, क्षमा करे एकदम। कितने डॉलर का है, $15 का है, नीचे चक्का भी लगा है, नीचे चक्का लगा है ना, नाइस ग्रॉसरी करके। तो यहाँ का मौसम बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और अभी देखो तेज बारिश हो रही थी और अभी एकदम तेज धूप। वहां कहाँ जा रही, चलना रोड क्रॉस कर। यहाँ से हम लोग कुछ कुछ सामान लिए थ्रेफ्ट स्टोर से, हाँ बादल भी पूरे गायब होगा, काले बादल। अपन लोग ट्राम लेके जाएंगे घर और फिर मुझे काम तो है, बिजनेस से रिलेटेड काम, घर में मटन करी बना है। तब बढ़िया ग्रीन ग्रीन दिखता है, मजा आ जाता है देख के वीडियो में भी। तो जीवन की खुशी में आज बना है मटन करी एंड लच्छा पराठा। ये हम लोग कहाँ से मंगाए, नो फ्रिल्स, अच्छा दिख रहा है बस एकदम कुरकुरा, हाँ कुरकुरा भी है, नाइस। अभी रिश्यू अपने लिए भी कर दिए, फिर खाते बैठ के अपन लोग, और इसके बाद जाएंगे हम लोग रउआ मार्केट, क्योंकि हमारा चिकन खत्म हो गया है, जूस खत्म हो गया है, एवोकाडो खत्म हो गया है, और ऐसा छोटा छोटा और भी बहुत सारा चीज खत्म हो गया वो लेके आने। गाइस एकदम तबाही लग रहा है, मटन करी और लच्छा पराठा, क्या बोलती रिशु? लेकिन अच्छा तो लग रहा है ना, लच्छा पराठा तो तू नहीं बनाई है, वेरी नाइस। तू टिफिन सर्विस स्टार्ट कर दे रिशु, पैसा ही पैसा होगा। कौन लेगा वो टिफिन, लोग जिनको खाना है टेस्टी खाना। किसको पता चलेगा कि टेस्टी खाना है, बोर्ड लगाए ना हर बस स्टॉप में। भाई तो 6 बज गए हैं, अब इतनी देर से मैं अपना असाइनमेंट ही कर रहा था, अब थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे रउआ मार्केट। तो गाइस असाइनमेंट करते करते 7:30 बज गए भाई, तो रउआ मार्केट हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि वो तो अब बंद होने का टाइम हो गया ऑफिस का। तो अब फिलहाल मैं क्या करूँ सोच रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ भाई। तो घर में पड़े पड़े बोर लगने लग गया था, और अभी बाहर तो अभी भी फिलहाल धूप है, रात के 8:30 बज रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा घूम के आता हूँ पैदल पैदल, रिशु से पूछता हूँ चलेगी क्या, नहीं तो फिर अकेले घूम के आऊँगा। बढ़िया A few inches later, पार्क से नज़ारा देखो भाई कितना बढ़िया है, वेरी नाइस। झूले में बैठ के गिम्बल वाला इफेक्ट आ रहा है भाई एकदम। तो भाई घूम फिर के मैं आ चुका हूँ, भूख तो लग नहीं रही है, तो सो जाता हूँ, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे हिट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।